हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स के गुड लुकिंग वाले 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है जेब्रोनिक्स जैब सांबा BTRU CF। एंड दोस्तों अभी इस मॉडल की MRP चल रही है 7,299 रुपीज। बट दोस्तों यार, अगर आपको ये मॉडल को बेस्ट प्राइस पर परचेज करना है तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियो से परचेज कर सकते हैं, वो भी काफी बेस्ट प्राइस पे, क्योंकि ये तो मैंने आपको MRP बताई है। बेस्ट प्राइस आपको गुप्ता रेडियो पर इस मॉडल का मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में मैं गुप्ता रेडियो का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा। अगर आपको इस मॉडल को परचेज करना होगा तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको इसका डिजाइन काफी डिटेल पे दिखाने वाले हैं। साथ में दोस्तों यार, हम इसका साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि यार अगर आपको गुड लुकिंग वाला कोई सिस्टम चाहिए तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके डिजाइन को काफी डिटेल में। एंड मेरे हिसाब से यार आपको डिजाइन तो इसका काफी पसंद आने वाला है। बाकी साउंड क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। एंड दोस्तों जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट डालने वाले हैं इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा जेब्रोनिक्स जैब सांबा BTRU CF का बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स पर हमें मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। साथ में दोस्तों यार, बॉक्स पर हमें मॉडल का पूरा डिजाइन भी बना हुआ मिल जाता है। एंड नीचे से देख लीजिए बॉक्स के दोस्तों, हमें फीचर्स के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों इस पर हमें ब्लूटूथ, USB, SD, FM, AUX ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में हमें कलर चेंजिंग लाइट इफेक्ट भी मिलता है, जो कि दोस्तों आगे मैं आपको डिटेल पे दिखाने वाला हूं। सर फटाफट से अपने बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं एंड आपको हर एक चीज को डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। दोस्तों हमें RC 3.5 mm केबल भी मिल जाती है एंड हमें रिमोट कंट्रोल भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। दोस्तों हम अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। डिज़ाइन भी दोस्तों रिमोट कंट्रोल का हमें बढ़िया मिल जाता है। साथ में हम रिमोट कंट्रोल से इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी जो रिमोट कंट्रोल की हमें मिलती है वो हमें काफ़ी डिसेंट लग रही है। दोस्तों अब मैं आपको सैटेलाइट स्पीकर को पूरे डिटेल में दिखा देता हूं। देखिए यार, सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। काफ़ी टॉल साइज़ के हमें सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। दोस्तों 4 सैटेलाइट स्पीकर हमें मिलते हैं एंड चारों का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम हमें मिल जाता है। एंड सामने की तरफ से कितनी ग्लॉसी फिनिशिंग हमें मिल जाती है। साथ में हमें ग्रिल देखने को मिलती है। एंड दोस्तों इस पर हमें 7.62 सेंटीमीटर का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है। बाकी के सैटेलाइट स्पीकर पर भी दोस्तों हमें सेम 7.62 सेंटीमीटर का ड्राइवर मिलता है। एंड सभी का जो टोटल पावर आउटपुट है दोस्तों वो हमें 15 वॉट्स RMS का मिलता है। बट दोस्तों यार, बैक साइड पर हमें सैटेलाइट स्पीकर्स के वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है। सैटेलाइट स्पीकर पर हमें अगर वॉल माउंट का ऑप्शन मिलता सो हम 2 स्पीकर्स को रियर साइड पर भी कनेक्ट कर सकते थे। सो वो चीज़ आप इनके सैटेलाइट स्पीकर्स पर नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज़ का दोस्तों एडवांटेज है, इसका जो डिज़ाइन हमें मिलता है ना, आप एक साथ ही जब इन्हें कनेक्ट करके रखेंगे तभी मज़ा आएगा। अगर आप अलग अलग रखेंगे, मतलब सैटेलाइट स्पीकर वॉल माउंट करते या सबवूफर अलग रखते, तो डिज़ाइन में उतना मज़ा नहीं मिलता। सो इस वजह से दोस्तों इस पर हमें वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी जो है सैटेलाइट स्पीकर की, वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। दोस्तों अब हम आपको सबवूफर को भी पूरे डिटेल में दिखा देते हैं। सो सबसे पहले हम इसके फ्रंट साइड को डिटेल में देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, टॉप पर हमें जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड दोस्तों हमें 2 नोब्स इस पर मिल जाती है बेस एंड ट्रेबल को एडजस्ट करने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी है। मतलब हम इस पर बेस एंड ट्रेबल दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नीचे से देख लीजिए दोस्तों, हमें वॉल्यूम के लिए भी नोब इस पर मिल जाती है, यानी कि हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे से। एंड हमें बटन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों प्रीवियस, नेक्स्ट, प्ले, पॉज, इक्वलाइजर एंड इनपुट, ये सारे बटन्स भी हमें मिल जाते हैं। एंड दोस्तों सामने की तरफ से हमें बहुत ही तगड़ा मतलब लाइट इफेक्ट मिलता है, वो चीज़ आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड देख लीजिए LED डिस्प्ले भी हमें नीचे से मिल जाता है। बाकी दोस्तों यार, ग्लॉसी फिनिशिंग हमें सबवूफर पर भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है फ्रंट साइड पर। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए, हमें 16.51 सेंटीमीटर का सबवूफर मिल जाता है, जो कि है 45 वॉट्स RMS का। सो देखेंगे दोस्तों कि यार बेस क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। एंड नीचे से देख लीजिए, बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट भी हमें मिल जाता है, यानी कि होल जहां से एयर पास होगी। दोस्तों बैक साइड पर देख लीजिए, हमें FM एंटीना केबल मिल जाती है। साथ में हमें इनपुट पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी पोर्ट हमें बैक साइड पर ही मिलता है। एंड दोस्तों आउटपुट पोर्ट पे हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होंगे एंड नीचे से हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। दोस्तों सबवूफर के टॉप पर हमें USB पोर्ट एंड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी जो है सबवूफर की, वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है।
चले दोस्तों अब अपने सिस्टम को पावर ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने सिस्टम को पावर ऑन करा एलईडी डिस्प्ले ऑन हो गया है एंड दोस्तों इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। चलिए अब मैं आपको इसके लाइट इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूँ, थोड़ा आप डिटेल में देख लीजिए इस चीज़ को एंड बताइए कमेंट करके कि यार आपको इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसका साउंड टेस्ट करवा देते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके टोटल पावर आउटपुट के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस पर हमें 105 वाट्स आरएमएस का साउंड आउटपुट मिल जाता है, सैटेलाइट स्पीकर्स हमें 15 वाट्स आरएमएस के मिलते हैं। सो जो टोटल आउटपुट है पूरे सैटेलाइट स्पीकर्स की दोस्तों वो हमें 60 वाट्स आरएमएस की मिलती है एंड दोस्तों सबवूफर हमें 45 वाट्स आरएमएस का मिलता है। सो जो टोटल आउटपुट है वो पूरे सिस्टम की हमें 105 वाट्स आरएमएस की मिलती है। जैसा कि दोस्तों आप सबको बताया जेब्रोनिक्स इंडी भी हमें इसी प्राइस पॉइंट में देखने को मिलता है एंड उस पर भी दोस्तों हमें 105 वाट्स आरएमएस का साउंड आउटपुट मिलता है। सो दोस्तों अगर मैं साउंड के हिसाब से आपको बताऊँ ना तो साउंड क्वालिटी में आपको काफ़ी मजा आने वाला है। बेस क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है, वोकल्स क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, लाउडनेस, हर एक चीज़ दोस्तों यार प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट है। मतलब अगर आपके पास इंडी है, अगर आप इंडी को परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप इस मॉडल को भी परचेस कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यार इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे इंडी से भी ज़्यादा बेटर लगा है। आप देखिए यार सामने की तरफ से जो लाइट इफेक्ट है वो कितना बढ़िया हमें मिल जाता है, साथ में दोस्तों यार साउंड क्वालिटी भी हमें बिल्कुल इंडी जैसी इस पर मिल जाती है। सो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये मॉडल भी दी बेस्ट ऑप्शन है। साथ में यार अगर आपको गुड लुकिंग वाला सिस्टम चाहिए जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोल दिया था तब तो आपके लिए ये दी बेस्ट ऑप्शन है, आप आंख बंद करके इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।